गुड गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी से। नो मैम। अब आ रही है? यस मैम। ठीक है स्टूडेंट्स, जो अपना कंटिन्यू टॉपिक था क्या था? वन वर्ड। यस मैम। 51 वर्ड हो चुके हैं। 51 से आगे 51। आज 10 वन वर्ड राइट करवाऊंगी, उसके बाद में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके एक्सरसाइजेस में। ओके मैम। ठीक है। मैक्स फर्नीचर। मैक्स फर्नीचर। मैक्स फर्नीचर ETC। क्या कहेंगे उसे? ए पर्सन हो मैक्स फर्नीचर ETC, जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, फर्नीचर आदि बनाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? स्टूडेंट्स जो फर्नीचर बनाते हैं उसे क्या कहेंगे? कारपेंटर। क्या कहेंगे? कारपेंटर। कारपेंटर। कारपेंटर यानी ए पर्सन हु मैक्स फर्नीचर, जो फर्नीचर आदि बनाते हैं उसे कारपेंटर कहेंगे। नेक्स्ट है ए पर्सन हु स्टील थिंग्स। स्टील थिंग्स। एक पर्सन जो स्टील करता है थिंग्स, यानी चीजें चोरी करता है, उसे क्या कहेंगे? स्टूडेंट्स ए पर्सन हु स्टील्स थिंग्स। किसे? चोर। क्या कहेंगे? चोर। किसे? Lives in a village. Students. Yes, ma'am. Give answer. एक पर्सन who lives in a village, village में रहता है, क्या कहेंगे उसे? एक पर्सन एक आदमी जो गांव में रहता है उसे क्या कहेंगे? गांव में। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? विलेजर। विलेजर्स। जो गांव में रहता है उसे कहेंगे विलेजर। हिंदी में कहेंगे विलेजर। क्या कहेंगे? ग्रामीण। ग्रामीण। द प्लेस वेयर, ऐसा स्थान। द प्लेस वेयर, ऐसा स्थान। वेयर, जहां। ट्रेन स्टॉप। ट्रेन स्टॉप।
स्टॉप, जहाँ पे ट्रेन स्टॉप रुकती है, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, क्या कहेंगे, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन बात बोल गई हूँ, ऐसा स्थान वेर जहाँ ट्रेन रुकती है कहेंगे स्टेशन। 55 द प्लेस वेर, ऐसा स्थान, द प्लेस वेर, ऐसा स्थान वेर द किंग्स एंड क्वीन, किंग्स राजा एंड क्वींस रानिया, रानिया लिव्ड, लिव रहती है। द प्लेस, ऐसा प्लेस वेयर द किंग्स एंड क्वींस लिव, जहां पर राजा और रानी रहते हैं, ऐसा स्थान जहां पे राजा और रानी रहते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहेंगे उसे, राजमहल, महल, महल, क्या कहेंगे, जहाँ राजा और रानी, राजा रानी ऐसे स्थानों पे मकानों में तो रहेंगे नहीं, महल, राजा और रानी रहते हैं महल में, पैलेस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं राजमहल, पैलेस, क्या कहेंगे, पैलेस। ए मीन, ए मील इटन, ए मील इटन इन द मिडल, इन द मिडल ऑफ द डे, ऑफ द डे। स्टूडेंट्स ए मील, यस मैम, एक प्रकार का खाना, इटन जो खाया जाता है, इन द मिडल बीच में खाया जाता है, ऑफ द डे दिन के बीच में जो खाना खाया जाता है, लंच, ए ग्रुप ऑफ एनिमल, एक ग्रुप है किसका, ऑफ एनिमल, एनिमल का एक ग्रुप है, एनिमल्स ऑफ सेम टाइप, और वो कैसे है, सेम टाइप के, सेम टाइप यानी कह सकते हो जैसे बेस, बेस एनिमल है तो बहुत सारी जैसी हो, यानी सेम टाइप को जो होता है वैसी ही जानवर, चीजें नहीं सॉरी जानवर, जैसे शिप है, भेड़ है, तो वैसी ही है, उसे क्या कहेंगे, हर्ड, क्या कहेंगे, जुड़, झुंड, हर्ड, किचन, 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 बस
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। नो मैम। यस मैम। आवाज नहीं आ रही मैम, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मैम अभी भी नहीं आ रही। मैम आवाज आ रही नहीं है। हिंदी देख लो मैम की तरफ। हैंड वॉश मैम, हैंड वॉश करना चाहिए। हैंड वॉश मैम फेस लगाऊंगी मम्मी के बाद। मैम आपकी आवाज ही नहीं आई से। क्या बोल रहे हो आप मैम, आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज ही नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है सही से। हेलो मैम अब आवाज आ रही है। अब आ रही है मैम। आ रही है। Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, तो दोबारा से करें। Yes, ma'am. Travels करते हैं किससे? By bus, train, etc. यानी जो जो यात्रा करता है बस या ट्रेन आदि से, तो उसे क्या कहेंगे? यात्री, पैसेंजर। क्या कहेंगे? पैसेंजर। और हिंदी में कहेंगे यात्री। आपको साथ में ही हिंदी में भी लाइन होने चाहिए, क्योंकि हिंदी में लाइन होगा तो पता है आपको क्या प्रॉफिट होगा? आपको हिंदी में दोबारा से लर्न नहीं करने पड़ेंगे। हिंदी एंड इंग्लिश में सेम रहते हैं वन वर्ड, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लर्न करोगे तो आपको प्रॉफिट यह होगा कि आपको एक ही सब्जेक्ट में लर्न करना पड़ेगा। इंग्लिश में ही लर्न कर लोगे तो हिंदी का भी आपको लर्न हो जाएगा। इसलिए पूछ रही हूँ, बोल रही हूँ, वन हु ट्रैवल्स, जो ट्रैवल्स यात्रा करते हैं By bus and train, बस और ट्रेन से यात्रा करते हैं उन्हें कहेंगे यात्री, पैसेंजर। ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है ए डिवाइस, एक डिवाइस, ए डिवाइस दैट एज जो क्या करती है? टाइम। ए डिवाइस, एक डिवाइस उपकरण, एक उपकरण दैट जो टेल्स टाइम, जो हमें टाइम बताता है। ऐसा उपकरण जो हमें टाइम बताता है, क्या कहेंगे उसे स्टूडेंट? ऐसा उपकरण जो हमें टाइम बताता है, क्या कहेंगे उसे? वॉच, घड़ी। वॉच, घड़ी। वॉच, घड़ी। WATCH, वॉच। क्या कहेंगे? वॉच, वॉच, घड़ी। वॉच। रिप्लेसमेंट। इन द मॉर्निंग जो खाना हम सुबह मॉर्निंग में लेते हैं या फिर खाते हैं उसे क्या कहेंगे? ब्रेकफास्ट। 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 ओके। एक जो खाना हम नाइट में लेते हैं उसे डिनर। 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 एक और राइट कर लो आप। ये मील eaten, a meal eaten in night, in night, क्या कहेंगे? dinner, dinner, okay, understand student? अब exercise solve करें? yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Ready for exercise? Solve exercise. Ready? So,
मैम आपने ब्रेकफास्ट की मीनिंग गलत से किया। मैम आपने ब्रेकफास्ट की मीनिंग गलत से लिखी है। एक पॉइंट चौदह एक पॉइंट चौदह मैम आपकी आपने ना ब्रेकफास्ट की स्पेलिंग सही से नहीं लिखी। Yes, ma'am. Ready for exercise? Yes, ma'am. First exercise मैंने send कर दी थी आपको work के लिए. Students? Yes, ma'am. First exercise मैंने send कर दी. आज हम solve करेंगे second exercise. कौन सी exercise? Second and third. दोनों solve करेंगे अगर अपने पास time बचा तो. नहीं सेकंड सॉल्व होती है तो सेकंड और थर्ड आपको मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। ओके यस मैम। जो एक्सरसाइज सेकंड है सक्सेस्ड इन सक्सेस होते हैं ना सक्सेस्ड। यस मैम। In dealing second exercise in dealing which a difficult with a difficult difficultly succeed in dealing with a difficultly जो कह सकते हैं इसे overcome कामयाब overcome and next a second ए ग्रुप ऑफ चलो ये मैं आपको स्पीक ही कर रही हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने राइट करवाया है। ए ग्रुप ऑफ एनिमल ऑफ सेम टाइप्स ए ग्रुप ऑफ एनिमल ऑफ एनिमल ए ग्रुप ऑफ एनिमल ऑफ और द सेम टाइप अभी करवाया था। यस मैम। क्या होगा इसका आंसर? सेम टाइप्स के जो एनिमल है उसे क्या कहेंगे? उसका जो ग्रुप है सेम टाइप्स के जो एनिमल का ग्रुप है उसे क्या कहेंगे? झुंड। स्टूडेंट्स टेल मी हर्ड क्या कहेंगे? जिसे हिंदी में कहते हैं झुंड 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 नेक्स्ट है पीस ऑफ पीसेज ऑफ वेस्ट पेपर ऑफ पेपर बेस्ट पेपर ईटीसी पीस पीस ऑफ वेस्ट पेपर यानी पेपर के हमने टुकड़े बेकार टुकड़े कर दिए तो उसे क्या कहेंगे? पेपर है उसके पीस कर दिए टुकड़े कर दिए बेकार जो पेपर था उसके टुकड़े कर दिए तो उसे क्या कहेंगे? क्या हो जाएगा? क्रेप क्या हो जाएगा?
क्रेप बैग क्रेप मीन क्या होता है क्रेप हिंदी मीन क्या होता है क्रेप का सॉरी स्क्रैप क्रेप नहीं स्क्रैप स्क्रैप का हिंदी मीन क्या होगा स्क्रैप स्क्रैप का हिंदी मीन होगा कचरा क्या होगा कचरा पेपर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं कचरा स्क्रैप यस मैम नेक्स्ट है आपका ए व्हीकल एक व्हीकल ए व्हीकल वी टू व्हील्स एक ऐसा साधन जो जिसके क्या है टू व्हील्स क्या है बाइक पहिए क्या है टू व्हील्स एंड पुल्ड बाय हॉर्स और उसे क्या किया जाता है स्टूडेंट्स लिसन एक व्हीकल विद व्हील्स जिसके क्या है विद टू व्हील्स टू है टू पहे और पुल्ड खींचा जाता है बाय हॉर्स हॉर्स के द्वारा उसे खींचा जाता है और उसके दो पहिए हैं तो उसे क्या बोलेंगे बाइक क्या बोलेंगे चैरियट रथ रथ हिंदी में बोलेंगे रथ जिसके दो पहिए होते हैं रथ एक ऐसा साधन है जिसके दो पहिए होते हैं और घोड़े के द्वारा उसे खींचा जाता है जैसे रथ या रथ बोलते हैं ना पहले में यस मैम चैरियट रथ चैरियट रथ नेक्स्ट है साइन यानी चमकना विद ए विद ए फ्लिकरिंग फ्लिकरिंग शाइन करते हैं लाइट यानी चमचमाती लाइट के साथ शाइन करते हैं चमकते हैं लाइट है ये एल उन्हें क्या कहेंगे जो जो शाइन करते हैं चमकते हैं और तो उन्हें कहेंगे टिम टिमाना चमकता हुआ ट्विंकल अदर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो ट्विंकल होता है चमचमाना ट्विंकल ठीक है और एक नेक्स्ट है ये मैंने आपको पहले भी करवाया है ए सोलेमन प्रॉमिस ए देखिए आप लोगों को कितना करना है ए सोलेमन प्रॉमिस स्टूडेंट्स आंसर गिव मी ये मैंने पहले भी करवाया आपको ए सोलेमन प्रॉमिस क्या कहेंगे रविंदर यानी आप लोगों ने लर्न किया ही नहीं लर्न ही नहीं आप लोगों को स्टूडेंट्स क्या पूछ रही हूँ मैं लर्न लर्न क्यों नहीं है ए सोलेमन प्रॉमिस क्या कहेंगे एक जो वादा करते हैं नीतिपूर्ण वादा तो उसे क्या कहेंगे प्लेज प्रॉमिस प्लेज प्रतिज्ञा नीतिपूर्ण वादा करते हैं प्रॉमिस तो हो गया वादा और एक न्यायपूर्ण जो प्रॉमिस करते हैं उसे नीतिपूर्ण कहेंगे नीतिपूर्ण जो प्रॉमिस है उसे कहेंगे प्लेज क्या कहेंगे प्लेज प्लेज प्रतिज्ञा जिसका हिंदी मीन होता है प्रतिज्ञा
नॉट कॉमन, जो कॉमन नहीं हो, नॉट कॉमन, कोई भी साधारण नहीं हो, विचित्र हो, नॉट कॉमन, जो साधारण नहीं हो उसे क्या कहेंगे, जो साधारण नहीं हो, विचित्र हो, हिंदी में कहेंगे उसे विचित्र, और इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेंज, इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेंज। विचित्र जिसे हिंदी में कहते हैं विचित्र। स्टूडेंट्स ये आपकी सेकेंड एक्सरसाइज के हो चुके हैं। थर्ड एक्सरसाइज फर्स्ट yes, है ma'am. थर्ड का फर्स्ट है ए पर्सन हु, एक पर्सन, ये भी मैंने करवाया आपको, ए पर्सन हु, एक पर्सन हु सो दिखाता है द वे टू अदर, रास्ता दिखाता है, वे टू अदर दूसरों को, दूसरों को मार्गदर्शन देता है, राय देता है कि ऐसे करो ऐसे मत करो, देते हैं ना राय, तो उसे क्या yes, कहते हैं मार्गदर्शन करते हैं, जैसे आपका मार्गदर्शन करते हैं टीचर्स है, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं आपको इसके लिए क्या करना होगा, जैसे एग्जाम है तो एग्जाम की तैयारी कैसे करनी होगी ये बताते हैं, तो वो क्या होंगे आपके, क्या होंगे, क्या कहेंगे उसे, गार्ड, गार्ड। नेक्स्ट है ए सीट, एक सीट, विदाउट एक सीट, ये भी मैंने करवाया था, विदाउट ए बैग और आर्म, आप लोग लर्निंग नहीं करते, बिल्कुल भी लर्निंग नहीं कर रहे हैं, ए सीट एक सीट, विदाउट ए बैग, विदाउट बैग यानी बिना सहारे की, एक सीट जो बिना सहारे की और बिना भुजाओं की हो उसे क्या कहेंगे, स्टूल, स्टूल, ओके राइट आंसर, स्टूल, स्टूल। नेक्स्ट है ए ए प्लेस, एक ऐसा प्लेस स्थान, ए प्लेस with temporary होता है ना कोई काम, temporary कर रहे हैं हम, काम चलाओ जिसे बोलते हैं, काम चलाओ temporary, कि जैसे किसी ने temporary घर बनाया है कि काम चलाओ ही बनाया है, अभी कुछ दिन काम चल जाए, accommodation। वो उसे क्या कहेंगे, कैंप, क्या कहेंगे, कैंप, कैंप लगते हैं ना, हाँ यस स्टूडेंट, यानी टेम्परेरी एक ऐसा पैलेस जो किसी भी चीज का संचालन करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए एक टेम्परेरी जगह को मतलब चूज कर लेते हैं हम, टेम्परेरी टाइप में बना लेते हैं उसे कहेंगे कैंप, जैसे स्कूल में कैंप लगते हैं, अभी वैक्सीन के कैंप लगते हैं, तो वैक्सीन जहाँ वैक्सीन देने का एरिया है वो टेम्परेरी तो है, कुछ दिनों के लिए ही तो है, परमानेंट नहीं है, कुछ दिनों के लिए है, तो उसे क्या कहेंगे, कैंप, टेम्परेरी, टेम्परेरी है तो उसे कहेंगे कैंप, ओके स्टूडेंट्स, यस मैम, हमारी क्लास का एंडिंग का टाइम हो गया है, हम एक्सरसाइज में आगे के जो, बाय मैम, आगे के जो क्वेश्चन है वो, मैडम बाय, मेरी बात तो सुनना मत, पहले बाय कर दो, ठीक है, बाय बाय मैम, बाय।